भारत में सब हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की उम्र है वो लगभग 1000 साल की है। 1000 साल पहले ये सब महायानी बौद्ध होते थे, और ये जो अवलोकेश्वर महाराज हैं, तारा देवी है, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कंस का जो धम्म है जिसे महायानी परंपरा कहा गया, उसी का बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। इसलिए उनको मैं समझा रहा हूँ, आज नहीं कल वो भी धम्म को स्वीकार कर लेंगे और ये भारत बौद्ध राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जी, बौद्ध राष्ट्र बनाने वालों के 50 लाख रुपए दे रहे हैं सिर काटने के, वो सिर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनकी पाठशाला में सिर काटना सिखाया गया है। हमारी बुद्ध की पाठशाला में दया, करुणा, सील, भाईचारा, मैत्री सिखाया गया है। हम लोग कई सालों से काटे गए, बहुत अत्याचार जुल हुए, कभी भी हमने तलवार नहीं उठाई, आज भी हम बर्दाश्त करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम अनायास किसी की हत्या नहीं करते, और जब कोई ज्यादा हमें सताता है तो मजबूरन हमें करना पड़ता है। वो लोग कह रहे हैं कि आप टुकड़ा टुकड़ा गैंग के हैं। हमको जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह रहे हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी गैंग है जिसके राष्ट्राध्यक्ष 18 देशों में है। चले जाइए थाईलैंड, जापान, कोरिया, लंका, मैं कई जगह कार्यक्रम करता हूँ, परमिशन नहीं देते हैं, कई जगह कार्यक्रम करता हूँ, बड़ा परेशान करते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि इस देश में मुझे परेशान कर रहे हो और जापान में नौकरी तलाशने जाते हो, वो बौद्धों का देश है। हिंदू राष्ट्र से भद्दे जी को क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र भारतीय मूल भावना के खिलाफ है। ये देश अलग अलग संस्कृतियों का है, अलग अलग रंगों का है, अलग अलग भाषाओं का है, ये विविधताओं का देश है। अगर कोई इसे एक रंग में रंगना चाहता है तो वो अपराध करना चाहता है। ये देश सभी धर्मों का है और हमेशा रहेगा। सर, ये राजनीतिक कार्यक्रम था सामाजिक, क्योंकि राजनीतिक नेता लोग बोले तो भीड़ चली गई। राजनीतिक लोग हमारे उपासक हैं, माननीय बहन जी हमारी उपासिका हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे उपासक हैं, अखिलेश यादव जी को भी उपासक बना रहा हूं, प्रियंका गांधी जी को हमने विपस्सना करा दी है, बस 2-4 साल और लगेंगे, भारत के सभी नेताओं को मैं बौद्ध बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। धर्म एक हिंदी भाषा का शब्द है जिसका संबंध मजहब से है, भगवान बुद्ध का धम्म है जो विज्ञानवादी तर्कवादी है और प्रकृति पर आधारित है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, ये हमारा संदेश है। इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार जिला बाई जिला कर रहे हैं। ये 8वां बौद्ध सम्मेलन है और हर सम्मेलन में 25,000 लोग शामिल होते हैं। मुझे बड़ा दुख रहा कि प्रयागराज की धरती पर मुझे परेड ग्राउंड नहीं मिल पाया, ये मैदान छोटा रह गया, बहुत सारे लोगों कुर्सियां नहीं मिल पाई। अब जो अगला हमारा कार्यक्रम है वो झांसी मेला ग्राउंड में है, जिसमें 1,00,000 लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ रहे हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आइए और हम लोग मिलकर के भारत को बौद्ध में बनाते हैं। बीजेपी सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व सरकार बनाने की बात करती है, आपको डर नहीं लगता धर्म का प्रचार कर रहे हैं? एक्चुअली एससी ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी है, हम लोग 100 करोड़ से ज्यादा हैं, ये लोग भटक गए हैं, ये लोग जातियों में बटे हैं, ये देवी देवताओं के चक्कर में लगे हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे हैं। जिस दिन ये अम्बेडकरवादी हो गए, जिस दिन ये पेरियारवादी हो गए, और जिस दिन ये बुद्ध के अनुयायी हो गए, हिंदुओं की संख्या 5% बचेगी और सारे के सारे लोग बौद्ध हो जाएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि देश भारत में जितने भी बड़े बड़े हिंदू मठ हैं, ये सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित 84,000 बौद्ध स्तूप पर बनाए गए हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, अयोध्या जबरदस्ती साकेत हमारा कब्जा कर लिया, मथुरा हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी इनके बड़े बड़े मठ हैं, सब बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं। उनके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। अगर जज बिके हुए नहीं होंगे, जज मरे हुए नहीं होंगे, संविधानवादी होंगे, तो वो मठ हमें मिलेंगे, ऐसी मेरी लड़ाई है। चर्चा करते हैं, आप लोग कर कुछ नहीं पाते, बोध गया में गणेश जी स्थापित हो गए। सांस्कृतिक लड़ाई में समय लगता है, ये कोई शराब का नशा नहीं है जो 2 मिनट में आ जाता है और 4 मिनट में उतर जाता है। बहुत पुराने मकर जाल में समाज फंसा है, जातिवाद में फंसा है। आज दिन तक जो समाज पिटता रहा, कुटता रहा, जातिवाद झेलता है, वह जातिवाद के गौरव को लेकर के घूम रहा है। वो लोग जातियों को गौरव करें जिन्हें ऊंचा बनाया गया,
बात अच्छी लगती है, जो पांचवें पायदान पर अछूत है वो जाति का गौरव लेके घूम रहा है। ये सब बाबा साहब के हत्यारे हैं, बुद्ध के हत्यारे हैं, और मैं इनको बौद्ध बनाकर, अंबेडकरवादी बनाकर एक नए भारत का निर्माण करूंगा, और पूरा देश हमारा साथ दे रहा है। आज आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग आए और लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन आज भी लिखित में हिंदू शब्द लिखा जाता है। हमारी लड़ाई चल रही है 18 सालों से, हम मैरिज एक्ट की मांग कर रहे हैं, पर्सनल लॉ की मांग कर रहे हैं, अलग शमशान की मांग कर रहे हैं। ये हिंदू बड़े साजिश लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग बड़े साजिशर लोग हैं। ये हमें इसलिए अलग नहीं कर रहे हैं कि अगर हम बौद्धों को अलग कर देंगे तो हिंदू 7-8% बचेगा, इसलिए जबरदस्ती इन्होंने संविधान के माध्यम से हमें हिंदू धर्म का हिस्सा बना के रखा है। जिनको आप बौद्ध बना रहे हैं वो घर जाकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं। मैं अपना काम कर देता हूँ और ये काम सतत चलना चाहिए। मेरे एक कार्यक्रम करने से सामाजिक क्रांति नहीं चलेगी, सभी लोग जब इस काम में लगेंगे। मैं मानता हूं करोड़ों संख्या है हमारी, हम 100 करोड़ आबादी के लोग हैं लेकिन जिंदा लोग 1 लाख भी नहीं है, उनकी आबादी 15 करोड़ है लेकिन सबके सब जिंदा लोग हैं। मैं जागरूक कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि असली आपका दुश्मन कौन है, असली दोस्त कौन है, और व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है। पंत जी, महाबोधि टेम्पल बिहार के लेकर क्या कहना है? महाबोधि टेम्पल का आंदोलन बहुत पुराना चल रहा है, मुझे दुख है बिहार में ओबीसी के लोग 30 साल से सरकार चला रहे हैं, लालू और नीतीश कुमार। अगर इन लोगों को शर्म आई होती, अगर ये सामाजिक न्याय समझे होते, अगर ये बुद्ध का दर्शन समझे होते तो ब्राह्मणों को मैनेजमेंट से निकालकर फेंक दिए होते और बोध गया मुक्ति आंदोलन सफल हो जाता, बुद्ध विहार बौद्धों को मिल जाता। लेकिन नेता खुद सत्ता परिवर्तन चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहता। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इन नेताओं को घर से खदेड़ो, भगाओ, जो वोट लेकर के अपने बच्चों को जर्मनी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, लेकिन सामाजिक न्याय और गैर बराबरी की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की नहीं लड़ना चाहता है। जब तक आप लाठी नहीं उठाओगे तब तक ये नेता पैसे के दम पर आपका खून पीते रहेंगे और आपके बच्चों को जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते रहेंगे। जी, का इस पर क्या स्टेटमेंट है बंदे जी? जी, आपका इस पर क्या स्टेटमेंट है, क्या आपके किस पर स्टेटमेंट? बार बार आप बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं तो इससे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, भगवान बुद्ध ने मुझे आदेश दिया था, चरक भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अगर मैं धम्म का प्रचार प्रसार ना करूं, लोगों को बुद्ध की शिक्षा ना बताऊं, तो बताओ क्या पार्टी बना लूं? बताओ क्या व्यापार डाल लूं? बताओ क्या बुद्ध विहार में पड़ा पड़ा खाऊं? मेरा काम है कि चरख रिखवे चारिकं, गांव गांव जाओ और लोगों को जगाओ। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि बड़ी आबादी भगवान बुद्ध की तरफ बढ़ रही है। सर, इस कार्यक्रम में दूर दूर के उपासक उपासिकाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश पूरा भारत सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, ये देश आपका है, आप कोई छोटे लोग नहीं हो, आप कोई नीचे लोग नहीं हो, आप अछूत लोग नहीं हो, आप शूद्र नहीं हो, आप इस देश भारत के शासक हो। शेड्यूल कास्ट ओबीसी में ऐसी एक भी जाति नहीं है जो इस भारत की शासक नहीं रही है। मैं उनको बता रहा हूँ कि आप राजा महाराजा थे, इसलिए मैं सम्मानित मुल्क के मालिक को बोलता हूँ, आज नहीं कल ये लोग जागेंगे और ये देश बहुजनों के हाथ में होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर, एक सवाल छोटा सा है। अरे भाई साहब, एक सवाल छोटा सा है, हमारे इतने बंधु पत्रकार महोदय हैं, आपकी जैसी वाणी को जब ये लोग लाइव या प्रसारण करते हैं तो आए दिन ऐसे हमारे यूट्यूबर छोटे छोटे चैनलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, इस पे आपकी क्या राय? हम लोग बहुजन समाज के लोग अखबारों के और मीडिया के बहुत बड़े हत्यारे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4-4 पत्रिका निकाली, हम लोगों ने उनको चला नहीं पाया, हम लोग उनकी पत्रिकाओं के हत्यारे हैं। बड़े बड़े चैनल बने, हम लोगों ने बेच दिए, हम लोग उनके हत्यारे हैं। बड़े बड़े संगठन
सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई और समता सैनिक दल बनाया, उनको हम चला नहीं पाए। हम लोग अभिमानी जातिवादी छोटी सोच के लोग हैं, मोहल्ले में कोई जानता नहीं और बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसका परिणाम ये है कि मुट्ठी भर लोग देश पर कब्जा कर लिए हैं और आप बहुजन समाज बनाते बनाते घूम रहे हो। एक सवाल और है, बाबा साहब हम लोग उसके छोटे से सदस्य हैं, तो क्या ये जो हमारे छोटे छोटे चैनल वाले हैं, क्या हम सब एक हो जाए तो क्या कैसा रहेगा? इस स्थिति के लिए और मैं गुनहगार आप लोगों को बता दूं, संविधान में जिन्हें मौका मिला धन कमाने का, जिन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जिन्हें एमपी एमएलए बनने का मौका मिला, जिन्हें बड़े बड़े व्यापारी बनने का मौका मिला, अगर इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म होती तो आज मीडिया हाउस बहुजन समाज के 10-20 होते, ना कि बनियों अग्रवालों के और ब्राह्मणों के होते। लेकिन मेरे लानायक हमारे नेता हैं जो अपना घर भरते हैं, पैसे के ऊपर बैठे हैं, अगर ये चाहते तो अखबार चला लेते। कौन सा नेता है बहुजन समाज का गरीब बताइए? लालू प्रसाद गरीब है, नीतीश कुमार गरीब है, मानिया बहन जी गरीब है, अखिलेश यादव गरीब है, लेकिन इन लोगों ने ना अखबार चलाया ना टीवी चैनल चलाया। मैं धन्यवाद देता हूं अमेरिका का कि आपका यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ट्विटर चल रहा है। अगर ये चाइना के ऐप होते तो ये मोदी सरकार बंद करा के तुमको भी घर पर बैठा देती। बंता जी, दिवाली आ रही है, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं, क्या मनाना चाहिए? किसी भी त्यौहार को मनाने की जरूरत नहीं है। हमारे त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा, हमारे त्यौहार है बाबा साहब की जयंती, हमारे त्यौहार है प्रत्येक पूर्णिमा, ये हमें मनाना चाहिए। हमें कोई गुलामी उनकी नहीं करनी है, हमें सब कुछ उनका त्याग देना है, तभी हम शासक बनेंगे, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।